देर रात फगवाड़ा के मेहड़ू लॉ गेट विखे कुछ हथियारबंद नौजवानों ने गुंडागर्दी का नंगा नाच करदिया पी जी केयर ते तेज़धार हथियारों नाल हमला करके दो व्यक्तियों नू गंभीर रूप विच फट्टड़ कर दिता, जिन्हां नू इलाज लई सिविल हस्पताल विखे दाखिल करवाया गया, जिथे कि डॉक्टरों वालों एक नौजवान की हालत नू देखते हुए हायर सेंटर रैफर कर दिता गया, जिथे कि उस दी दौराने इलाज जान चली गई, जबकि दूसरा नौजवान सिविल हस्पताल फगवाड़ा विखे जेरे इलाज है। मृतक नौजवान की पहचान हरप्रीत सिंह हैप्पी पुत्र सरमन सिंह वासी सुरखपुर जिला कपूरथला हाल वासी लॉ गेट वजो हुई है, जबकि जख्मी नौजवान की पहचान अर्जन सिंह राणा पुत्र करण सिंह राणा वासी लॉ गेट वजो हुई है। इस मौके गलबात करदिया जख्मी अर्जन सिंह राणा ने दस्या कि वह जदों अपने दोस्तों नाल अपने दोस्त नूं छड्डण लई पी जी च जा रहा सी तां 25 तों 30 दे करीब नौजवानों ने उन्हां ते हमला कर दिता, जिस कारण हरप्रीत सिंह हैप्पी दी दौराने इलाज जान चली गई। उन्हां पुलिस प्रशासन पासों मंग कीती कि उन्हां नूं इंसाफ दिवाया जावे। सर मैं अपने जिद्दां कि लॉ गेट फगवाड़ा दवा एलबी लॉ गेट तो सर मेरे अपना फ्रेंड अपना मनी नाम आदा मैं उन्हें छड्डन गया सीगा उहदे पी जी च, मेरे नाल मेरे ब्रदर सीगे हरप्रीत सिंह तां नाल मेरे फ्रेंड एक होर सीगे तां असीं उन्हें छड्डन जा रहे सीगे तां उत्थों मतलब कि अगे अनपछाते मुंडे सीगे तो मतलब कि 3-4 महीने जानते थे वो आए काफ़ी बाइक तो साढ़े हमला करता उन्होंने अंबेसी बीच के बाद सर घट्टो घट भी 25-30 जने से सर अपनी जो मनोहर सेगा रोशन सेगा साबा सेगा अभिषेक सेगा तो 2-4 नाम होर है वो हरप्रीत सौरभ हरप्रीत लग गई किस चीज़ ने उन्होंने तो हमला किया अपना कृपाना से उन्होंने को खंडे वगैरह से काफ़ी मेरे ख्याल में रिवॉल्वर वगैरह भी सीखा उन्होंने को क्योंकि जो करते थे तो की नाम पूरा अर्जुन सिंह कि मुझे देखो कि जगह रहने वाला सर ये अपना हरप्रीत सिंह सिरपुर का रहने वाला इतने काम करता है जूस बार की मांग करते हैं प्रशासन सर मैं कहता कि मैंने इंसाफ दिता जाए मेरे ब्रदर की जी की डैथ हुई उन्हें भी इंसाफ दिता जा रहा तुम पहचानते हो सारे होर पहचान उधर इस घटना की सूचना मिलते सारे ही DSP फगवाड़ा जसप्रीत सिंह SHO थाना सतरामपुरा ते SHO थाना सिटी पलविंदर सिंह वालों पुलिस टीम नाल मौके पर पहुँच के स्थिति का जायजा लिया गया ते जानकारी हासिल की गई। इस मौके थाना सतनामपुरा के SHO ने दसया कि पुलिस वालों मामले की गहराई नाल जांच की जा रही है ते जो भी सच्चाई सामने आई उस हिसाब नाल कार्रवाई अमल में लिया जाएगी। उन्होंने दसया कि मृतक हरप्रीत सिंह लॉ गेट विखे जूस की रेहड़ी लगाता से फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 7 व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अज सानू पता लगा कि ग्रीन वैली मिडल रोड से जोड़े पी जी बने इतने दो तरह की आस में झगड़ा होया झगड़े दे विच इन्होंने एक दूजे के डंडिया नाल बेसबाल नाल वार किए कि दो लड़के जख्मी हो गए राणा ना दा ते दूजा हैगा हरप्रीत हैप्पी। हरप्रीत हैप्पी जिहड़ा ये स्टूडेंट नहीं हैगा इत्थे जूस की रेहड़ी लाउंदा वा पर ये मुंडिया नाल फिरन तुरन हैगा सी जो उहदे सट ज्यादा होण करके सिर 'च सट सीगी उहदे नाल हुणे सानूं पता लगा कि उहदी डैथ हो गई आ। असीं पड़ताल कर रहे हां सारे मामले दी मेरे सीनियर अफसर भी आए हुए आ ते मेरे होर कलीग साथी आए हुए। लड़ाई दा कारण कुछ पता चला कि लड़ाई दा कारण घरेलू आस में कोई गल तो लैके बहसबाजी हो गई इन्हों की वो बहसबाजी जी एक दूजे ना हेठ उपर हो गए एक दूजे सट्टा मार दी इन्होंने सारे पहचान वगैरह हुई जा हाँ पहचान हुई है हजे इनवैसटीगेशन का पार्ट है जिसे सट्ट लगी एक राणा नाम का मुंडा वा तो दूजा हरप्रीत हैप्पी है जिसकी डैथ हो गई है। कितने के रहने वाले सर राणा तो पता लगे इतने पिछों कैंट के रहने वाला वा तो जो हरप्रीत हैप्पी आ जिसके मुंडे की डैथ हुई है ये पता लगा जो जूस की रेहड़ी लाता से इतने तो पिछों सुरखपुर का पता लगा है सुरखपुर के रहने वाला तो सर कोई पाल कैमरिया कोई आई हो हाँ देख रहे हैं सारी छानबीन कर रहे हैं छानबीन करके
सारी कार्रवाई की जाए। सर किन्ने व्यक्तियों ने इन्होंने उपर वार किए कुछ पता चला? अजे तक जे आए दसण के मुताबिक इतने लोगों के 8-10 बंदे थे, मगर 4-5 के ना जो साढ़े को सामने आ गए, 7 के ना जो सामने आ गए साढ़े को, बाकी भी वेरीफाई कर रहे हैं। DSP साहब खड़े हैं कि सारे अं देख रहे हैं, बाकी SHO पुलिस चौकी भी आए हुए हैं, सारी पुलिस लाइन लगे हुए हैं। ये मामले ट्रेस कर लिया।